गांव में दशकों से ना तो बिजली है ना ही सड़क है। गांव के लोगों को खेतों की पगडंडियों से आना जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में पगडंडियां कीचड़ में बदल जाती हैं। गांव किस तरह से बेहाली की मार झेल रहा है, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विकास के दावों पर तमाचा, गांव में पानी नहीं पहुंचा, अब तक नहीं मिली बिजली, विकास की बात छिछली निकली, गांव के मुकद्दर में लिखी बर्बादी, गांव के बच्चों की नहीं होती शादी। जरा सोच कर देखिए, इस गर्मी के थपेड़ों के बीच बिजली का चले जाना, प्यास से सूख रहे गले को कुछ देर के लिए पानी की बूंदें मयसर ना होना, ऐसी स्थिति की कल्पना करने भर से ही माथे पर शिकन आने लगती है। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां की तकदीर में दशकों से ये कहानी लिखी हुई है। फतेहपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर विजयीपुर विकास खंड के हम इस गांव में मौजूद हैं, जिसका नाम है परान का डेरा। इस गांव में 250 से अधिक आबादी है और इस गांव के लोगों को आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं और हमारे साथ ग्रामीण जो हैं ये सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस आधुनिकता के दौर में बिना बिजली के क्या जीवन की परिकल्पना संभव है क्या। सब लोग हैं इस वक्त गांव के और ये इन्हीं से बात करके जानते हैं कि इस गर्मी में इन लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं। हमारे यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ कोई ना बिजली है ना नल है ना कोई साधन है ना रास्ता है, नदी भी आ जाती है, नदी में पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते। यूपी के फतेहपुर के दो गांव हैं जहाँ विकसित भारत के दावे सड़क के रूप में नहीं पहुँचे। डिजिटल इंडिया की ढपली की प्रतिध्वनियों के एकालाप के बीच बिजली गांव का रास्ता ही भूल गई। आज भी लोग पगडंडियों को ही विश्वगुरु बनने की सड़क समझते हैं और बारिश के दिनों में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ख्वाब और विश्वगुरु की पगडंडियां कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं और लोग इन्हीं रास्तों से तय करते हैं अस्पताल का सफर। ये कहानी है परान का डेरा और छेदू का डेरा गाँव की। कोई रात में बीमार पड़ गया या दिन में बीमार पड़ गया तो उसको खटिया में ले करके फिर आगे बढ़ाते हैं, नारायणी रोड पकड़ते हैं, फिर आगे फतेहपुर है, कहीं खागा है, कहीं जाकर इलाज करवाते हैं। इस तरह की समस्या हमारे यहाँ होती है, हमको बहुत दिक्कत है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो गर्मी में कितनी समस्याएं होती हैं बच्चों को? बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है, नहीं है यहाँ लाइट तो दिक्कत तो है ही है, यहाँ भयंकर गर्मी भी है। इतना गर्मी ही ताप इतना होती कि आदमी देखते हैं कि सब लोग बच्चे बैठे हैं नंगे दुरंगे, सब हवा में बैठ रहते हैं। रास्ते भी नहीं है आपके गांव में, तो जब बारिश होती है तो कि जब कोई बीमार पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं अस्पताल? अरे बहुत दिक्कत से ले जाते हैं, खटिया में ले कहूँ पीठ में ले के कहूँ कंधाइया में बैठा के बच्चे ले के रोड पकड़ाओ थे वहाँ बरौली जा करके, जब फिर साधन आता जब जाते लेके। तो सुना आपने, ऐसे मौके पर होती सियासत पर मंजर भोपाल की सालों पहले लिखी एक नज्म याद आती है। मार के मरीजों की दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब तो दीजिए, देश की तबाही का हिसाब तो दीजिए। लेकिन अफसोस, आप सिर्फ नज्मों में ही हिसाब मांग सकते हैं, असल में नहीं। इस समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत किया कहीं? हाँ किया है सर, विजयपुर में मैंने अप्लीकेशन दिया, खागा में अप्लीकेशन दिया, निरंजन का दिया, कृष्णा पासवान का दिया, आज तक हमारी सुनाई कोई नहीं भाई। क्या कहा उन्होंने? ये कहन कि हो जाएगे, बताओ कि जब हनी 10 साल हनी रही संसद रही और 15 साल हनी कृष्णा पासवान विधायक रही, आज तक कोई सुनाई नहीं भैया, तो ये बताओ कि हम हनी कहीं भेज जाई और ना रास्ता है ना हैंड पंप है ना यहाँ हनी कोई बिजली है, तो सब हनी नान नान बच्चे जो हनी बीमार पड़ जाते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती, गांव में बुनियादी सुविधाएं ना होने के कारण युवक युवतियों की शादियां तक नहीं हो रही। ये कहते हैं
कि जब यहाँ हमारी सुविधा नहीं आनी गाड़ी आने जाने के लिए तो हम यहाँ शादी न करेंगे कि तो हमको सुविधा दिया जाए तो कृष्णा पासवान से सुनाई थी कि हमका रास्ता दीन जाए तो कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत नहीं की, बार बार कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी इनके सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। अगर गांव वालों को कुछ मिलता है तो वो है तारीख पर तारीख। देखिए वैसे तो प्रदेश में भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत सभी गांवों को विद्युतीकृत करते हुए संदर्भ किया गया है, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। हाँ, उसके बावजूद कुछ चार या पांच घर या कुछ नई बस्तियां जो विकसित हो रही हैं, जो बाद में विकसित हुई हैं, या उसके अतिरिक्त कुछ चार या पांच घर जहाँ अस्थायी रूप से लोग निवास करते हैं, इस बात की संभावना है कि छूटे हैं, उन लोगों को भी विद्युतीकरण करने की योजना है और ये सौभाग्य टीम में इनको कवर किया जाएगा। RDSS योजना जो हमारे यहाँ रिवेंट स्कीम चल रही है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। फतेहपुर के इन गांवों तक पहुंचने में विकास हाफने लगा है, लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि आखिर कब तक गांव वालों को बिजली और सड़क जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और कब गांव वालों की तकदीर बदलती है। फतेहपुर से अनूप तिवारी के साथ इंडिया न्यूज ब्यूरो। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।